कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म अनुभूति। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। असम के गुवाहाटी से 2 मील दूर पश्चिम में नीलगिरी पर्वत पर स्थित सिद्धिपीठ को कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख कलिका पुराण में भी मिलता है। कामाख्या मंदिर को सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता सती की योनि का भाग कामाख्या नामक स्थान पर गिरा था। इसके बाद इस स्थान पर देवी के पावन मंदिर को स्थापित किया गया। कामाख्या देवी माँ दुर्गा के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। इस मंदिर में तांत्रिक अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने आते हैं। माता सती ने अपने पति के व्यवहार से गुस्से में आकर अपने शरीर को हवन कुंड की अग्नि में समर्पित कर दिया था। महादेव उनके पार्थिव शरीर को कंधे पर रख कर तांडव करने लगे थे। तब संसार को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई हिस्सों में काट दिया। जिस जगह भी ये टुकड़े गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। माता सती का योनि भाग कामाख्या स्थान पर गिरा था, इसी वजह से इस स्थान को कामाख्या देवी के नाम से जाना जाता है। माता सती के कुल 52 शक्तिपीठ हैं, लेकिन एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं। 51 शक्तिपीठ में से सिर्फ कामाख्या मंदिर को महापीठ का दर्जा हासिल है, लेकिन इस मंदिर में माँ दुर्गा और माँ जगदम्बा का कोई चित्र या मूर्ति नहीं है। भक्त मंदिर में बने एक कुंड पर फूल अर्पित कर पूजा करते हैं। इस कुंड को फूलों से ढक कर रखा जाता है, क्योंकि कुंड देवी सती की योनि का भाग है, जिसकी पूजा अर्चना भक्त करते हैं। इस कुंड से हमेशा पानी का रिसाव होता है, इसी वजह से इसे फूलों से ढक कर रखा जाता है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। इसका कारण कामाख्या देवी माँ के राजस्वला होने को बताया जाता है। ऐसा हर साल अंबुवाची मेले के समय ही होता है। इन 3 दिनों में भक्तों का बड़ा सैलाब इस मंदिर में उमड़ता है। भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का सूती कपड़ा भेंट किया जाता है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग़।